आज हम टमाटर की चटपटी नमकीन चटनी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए हम टमाटर लेंगे। टमाटर को हम दो भाग में काट लेंगे, आधा आधा। फिर दो प्याज छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेंगे। धनिया पत्ता भी छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेंगे। लहसुन की कलियां लेंगे छील के, और हरी मिर्च काटा हुआ लेंगे। अब हम एक बर्तन में तेल गरम करेंगे, उसमें टमाटर कटा हुआ है उसे हम डाल देंगे। फिर हम लहसुन की कलियां जो छिली उसे भी डाल देंगे, और उसे ढक के हम कुछ देर पकाएंगे। थोड़ा देर के बाद ढक्कन हटा के देखेंगे टमाटर पक रहा, उसे हम पलट देंगे, लहसुन को भी पलट देंगे, फिर उसे ढक देंगे। फिर थोड़ा देर के बाद ढक्कन हटा के देखेंगे पक रहा है, इसे फिर हम पलटेंगे टमाटर और लहसुन। देखिए ये टमाटर पक रहा है, अभी से हम इसका ऊपर का छिलका सब टमाटर का हटा लेंगे। देखिए टमाटर पूरा सीज गया है। ऐसे हम फिर टमाटर को हम चूर लेंगे अच्छी तरह से, और लहसुन भी जो पक गया उसे भी हम चूर लेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ हरी धनिया पत्ता भी मिला लेंगे, और उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। और इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और पकाएंगे। देखिए हमारी टमाटर की चटपटी चटनी नमकीन कितना जल्दी बन गया है। टमाटर की चटनी नमकीन टमाटर की।